그래. 저 그래. चुनाव आयोग ने कहा है कि वीवीपैट मशीन वो चुनाव लोकसभा चुनाव से पहले तैयार कर देंगे। अच्छी बात है, तैयार कर देंगे। लेकिन एक प्रमुख प्रश्न को वो टालते रहते हैं। चुनाव आयोग अब खाली एक बड़े बाबू का दफ्तर नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि अगर घर का कचरा है तो कचरा जो है सब जगह कहा जा रहा है कि बाहर डस्टबिन में डाल दीजिए। चुनाव आयोग का कार्य सिर्फ चुनाव कराना है कि और भी महत्वपूर्ण काम है? कई बार चुनाव आयोगों से की मीटिंगों में राजनीतिक दलों ने बहुत सी व्याख्या की है, चर्चा की है। चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी साहब, मुख्य चुनाव आयुक्त संपत साहब, मुख्य चुनाव आयुक्त ब्रह्मा साहब और उसके अलावा भी जयदी साहब, इन सब के सामने हमने, मैंने, अतुल कुमार अंजान ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से ये बात रखी कि ये चुनाव हो रहे ठीक है, लेकिन इन चुनाव के अंदर इतनी खामियां हैं, बाहुबल, धन शक्ति, अश्लील शब्द, धार्मिक शब्द, जातीय शब्द, जाति भावनाएं, धार्मिक भावनाओं के आधार पर मतदाताओं को अपनी तरफ खींचने घसीटने, पेड न्यूज, बाहुबल, घूस देना, ये सब आ रहा है। सत्ता का दुरुपयोग करना, ये सब आ रहा है। पोलिंग बूथ में जाकर लोगों को, मतदाताओं को प्रभावित करना, ये सब आ रहा है। इसको समाप्त करने के लिए बहुत सारी तरीके भी अपनाए गए हैं और बहुत सी बातें भी अनावश्यक अनुत्तरित होकर के छोड़ दी गई हैं। जो आवश्यक है चुनाव आयोग को अनावश्यक लगती है। इस संबंध में हम लोगों ने कहा और हमने उठाया ये सवाल कि जातिवाद और धर्मवाद और बाहुबल और ये जो धन शक्ति का दुरुपयोग रोका जाए। आप दंतहीन चुनाव तंत्र के रूप में ज्यादा समय तक काम नहीं कर सकते। चुनाव आयोग को निष्प्राण होकर, दंतहीन होकर चुनाव प्रक्रिया मात्र पूरी कर लेने के एक भौतिक हथियार के रूप में, मशीन के रूप में नहीं देखा जा सकता। इसके कुछ सैद्धांतिक पहलू हैं। अभी बहुत लंबा अनुभव नहीं है लोकतंत्र का नेपाल में, लेकिन नेपाल की आधी सीटें अभी हाल में साल भर 8 महीने पहले हुए चुनाव में आधी सीटें सीधे जनता के द्वारा चुनी गई और आधी सीटें समानुपातिक प्रतिनिधि, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बुनियाद पर चुनी गई। अर्थात अगर मान लीजिए हमारी लोकसभा में 543 सीटें हैं तो सभी राजनीतिक दल 543 नाम अपनी तरफ से लिख के चुनाव आयोग को दे दें, एक नंबर पर फला नाम, दो नंबर पर फला, तीन, चार, जिसका चाहे। और मान लीजिए किसी एक पार्टी को 10% वोट मिले, चुनाव में वहां उम्मीदवार नहीं होगा, वहां पार्टियों की नीतियां होंगी, पार्टी के कार्यकर्ता मतदाताओं को नीतियां समझाएंगे विभिन्न विषयों में, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, विदेश नीति, मुद्रा नीति, हमारी सैन्य नीति, हमारी कृषि नीति, ये सब सिखाएंगे, बताएंगे और मतदाताओं को आकर्षित करेंगे। इससे लोकतंत्र सजीव होगा। वोटर सिर्फ वोट देने की मशीन नहीं होगा, हमारी लोकतांत्रिक के अंदर जो लोकतंत्र में जो द्वंद्वात्मकता है उसको समझेगा, देश दुनिया की परिस्थितियों से दोचार होगा, देश के सामने दरपेश चुनौतियों को स्वीकार करेगा। युवा, नौजवान, नवयुवतियां और महिलाएं इस बात को सीखेंगी, सुनेंगी, कुछ ही अंश ग्रहण करेंगी तो हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। मान लीजिए किसी पार्टी को चुनाव में 10% मत मिले तो लिस्ट में से 55 सीटें, एक से लेकर के 55 नंबर तक जिसको नाम है वो अपने आप ऑटोमेटिक लोकसभा के सदस्य हो गए। और उनमें अगर किसी का बाद में अपनी पार्टी से मोहभंग होता है और इस्तीफा दे देते हैं तो 56वें नंबर का जिसका स्थान है वो अपने आप स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। तब फिर कार्यकर्ताओं को, जनता को समझाना पड़ेगा। राजनीतिक दल जनता के बीच में जाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे बेहतर तरीके से, तब जाति और धर्म के नाम पर वोट नहीं पड़ेगा। तब रुपया बांट करके, शराब बांट करके और लिफाफे में रुपया दे करके मतदाताओं की संख्या के अनुरोध पर कोई चुनाव नहीं जीत पाएगा और वह स्थिति आदर्श लोकतंत्र की होगी, सजीव लोकतंत्र की होगी,
फैसला कुन लोकतंत्र की होगी, दृढ़ता के लोकतंत्र की होगी, नैतिक लोकतंत्र की होगी, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति लोगों को सचेत करती हुई लोकतंत्र होगी, इसके लिए कभी काम करेगी चुनाव आयोग? तय हुआ था कि इस विषय पर चर्चा करने के लिए पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चुनाव आयोग की तरफ से ब्रह्मा जी ने, संपत जी ने, जयदी जी ने कहा था कि हम चुनाव आयोग की तरफ से सेमिनार करेंगे, सिंपोजियम करेंगे, जागरूक अध्यापकों को, नौजवानों को, महिलाओं को, पत्रकारों को, बड़े ब्यूरोक्रेट्स को, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बुलाकर उनसे राय करेंगे, इसके संबंध में चर्चा होगी, देश में एक जनमानस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति तैयार होगा। उस काम को तो कर नहीं है, वीवीपैट कर देंगे, सारा जो है घुसपैठ खत्म हो जाएगी, वीवीपैट से घुसपैठ खत्म हो जाएगी। ये दृष्टिकोण रखकर अगर चुनाव आयोग चलेगा तो चुनाव आयोग का काम सिर्फ चुनाव कराना नहीं है, बल्कि सजीव लोकतंत्र और उसमें उत्पन्न हो रही वक्त के साथ जो खामियां उसे दूर करते हुए एक आदर्श दुनिया के सबसे बड़े भारत के लोकतंत्र को, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को सजीव, सचल, दिशाहीन होने से बचाना, पारदर्शी होते हुए समावेशी होना है, यही हमारी पार्टी की समझ है और इसकी तरफ चुनाव आयोग को बढ़ना चाहिए।